अब बच्चों प्रश्न नंबर दो पर हम ध्यान दें। एक अलग सवाल है, फलन फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये ड्यूअल नेचर का है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन अपॉन एक्स, यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो के बराबर नहीं है और एफ एक्स बराबर जीरो है यदि एक्स बराबर जीरो है। इस फंक्शन की बिंदु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता डिफ्रेंसिबिलिटी की जांच करना है, जांच कीजिए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न नंबर दो में आप ध्यान दे रहे हैं कि फंक्शन दो प्रकार से परिभाषित है, ड्यूअल नेचर का है, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो यदि एक्स बराबर जीरो। ये प्रश्न नंबर दो है, इसको अब हल करके हम देखते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर टू पर आप ध्यान दें, डिफरेंशियबिलिटी के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर टू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर टू में जो फंक्शन है वो इस प्रकार से परिभाषित है, क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, ये कहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और नो डाउट कि एक्स जीरो हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वैल्यू इसकी जीरो है कब, जब यदि एक्स बराबर जीरो है। यदि एक्स बराबर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी हम यदि लिख दें तो इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमको फंक्शन एक दिया है। तो हमें एक्स प्रश्न ये कह रहा है एक्स बराबर जीरो पर ये एफ एक्स के अवकलनीयता की हमें जांच करके देखना है, अवकलनीयता की जांच करना है, अवकलनीयता की जांच करना है या सिद्ध करना है कि ये अवकलनीय है कि नहीं। यदि प्रश्न पूछता है कि अवकलनी है तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डिफरेंसिबिलिटी इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, और यदि हमको और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड का वो भी उसके बराबर मिलता है तो हम बड़े आसानी से इस निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। तो बच्चों आप प्रश्न को ठीक से समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझना भी बहुत आवश्यक है, बिंदु क्या है, फंक्शन क्या है, ये इस बात पर आप ध्यान देंगे। तो x बराबर जीरो एक पॉइंट है और अवकलनीयता की हमें जांच करना है, टेस्ट करना है, और फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है मालूम है आपको, ये फंक्शन ड्यूअल नेचर का है, दो प्रकार की परिभाषा रखता है। x जीरो नहीं होगा तब फंक्शन का मान एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स है, यदि x की वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन का मान जीरो होगा, तो दो प्रकार की परिभाषा है उसकी। तो निश्चित रूप से x बराबर जीरो पर फलन जो फंक्शन है एफ एक्स जो हमको दिया है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव का कोड मैंने बताया था आर एफ डैश जीरो, जो बिंदु जीरो है तो जीरो लिख दीजिएगा, और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिंदु जीरो पर हमें राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है, वास्तव में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बिंदु एक्स बराबर जीरो पर। तो अब फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस है, मतलब एक्स जीरो नहीं है,
तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन अपॉन एक्स है। और माइनस एफ ऑफ जीरो का मतलब आप बच्चों समझो, एफ ऑफ जीरो का मतलब एक्स बाय जीरो पर फलन का मान वो जीरो है। ये एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस के हिसाब से हमने कह दिया कि एक्स जीरो नहीं है। और आपको मैंने बताया था कि एक्स की इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है और वो जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, एक्स जीरो नहीं है। और एफ ऑफ जीरो का मतलब एक्स बाय जीरो है अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स का भाग देंगे तो एक्स आएगा। तो इसको यदि हम आगे सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पर, तो मुझे क्या मिल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स साइन ऑफ वन अपॉन एक्स। अब इस जब इस लिमिट को मैं यदि सिंप्लीफाई करता हूं, तो बच्चों निश्चित रूप से आपको बात समझ में आ रही होगी कि यदि मैं x के जगह जीरो रख देता हूं तो यह अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन आप एक बात जानते होंगे कि जो साइन फंक्शन होता है, साइन x एक फंक्शन होता है, वो ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। साइन x की किसी भी मान के लिए, चाहे वो डेसिमल में हो, वन अपॉन x हो, ये भी कह सकता हूं कि साइन वन अपॉन x जो है वो भी माइनस वन वन के बीच मिलाई करता है। तो साइन की का जो रेंज है, परिसर है, वो माइनस वन और वन के बीच में होता है, माइनस वन भी होता है, जीरो वन भी होता है। तो निश्चित रूप से जब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो आर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू मुझे मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस वन और वन के मध्य की एक संख्या, कोई भी एक संख्या होगी एक्स के, वन अपॉन एक्स के निश्चित मान के लिए एक संख्या, ये हमें मिलता है। अब आपको मालूम है कि ये जीरो प्लस है, हम पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो जब लिमिट चेंज करने की बात आती है तो एक्स इज इक्वल टू हम जीरो प्लस एच मानते हैं, चूंकि लिमिट आपको दिख रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस है, तो इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के ऊपर प्लस साइन आएगा। तो लिमिट चेंज करना मतलब सिंप्लीफाई, हालांकि इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं थी, इसकी डायरेक्ट लिमिट जीरो आ जाती, लेकिन फिर भी प्रोसेस की बात है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये क्या है, जीरो प्लस एच है, और साथ साथ आपको दिख रहा है माइनस वन और वन के बीच की संख्या, तो यहाँ मैं डू लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऐसा ही लिख देना, माइनस वन और वन के मध्य की संख्या, यहाँ डू का मतलब ये है। जब मैं इसकी लिमिट लेने की कोशिश करूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, माइनस वन और वन के मध्य की एक संख्या, इसमें कोई शक नहीं कि एक्स के निश्चित मान के लिए एक संख्या मिलेगी, और जब मैं इसकी लिमिट लूंगा तो ये जीरो आएगा और उसका मल्टीप्लाई माइनस वन और वन के मध्य की एक संख्या, एक निश्चित संख्या मिलेगी और उसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो मिल रही है, जिसको हम आरएसडी कह रहे हैं, वो है जीरो। ये समीकरण नंबर हम इसको दो कह रहे हैं। तो बच्चों आपने अभी देखा कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्स बराबर जीरो पर आपने चेक की। अब हम दूसरा काम कर रहे हैं कि एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स
की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चेक कर रहे हैं और जिसका कोड है L F-0। तो इन्हें L F-0 लेफ्ट हैंड से बना है L F-0 एक्स इज इक्वल टू जीरो के कारण इस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं, इसलिए L लेफ्ट से और F डिफरेंशियल कोफिशियंट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो नो डाउट कि हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस लेना पड़ेगा और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका मीनिंग मैं आपको फिर बता दूं कि एक्स के ऊपर जीरो के ऊपर माइनस का मतलब है कि जीरो से कम यानी नेगेटिव नंबर से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो के ऊपर माइनस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। तो हम नेगेटिव नंबर से एक्स के बाईं ओर से के नंबर से नेगेटिव नंबर से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी जीरो नहीं है ये, और जीरो नहीं है समीकरण नंबर एक के केस में स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहा है कि जीरो नहीं है। तो हम इस केस में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स के जगह हम एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन अपॉन एक्स हम लिखेंगे और माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब तो एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो है, क्योंकि फंक्शन दो प्रकार से परिभाषित है, ड्यूल नेचर का है, अपॉन एक्स माइनस जीरो एक्स होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो L F-0 लिखते हैं इसको, और वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो के ऊपर माइनस, और इससे एक्स और एक्स कैंसिल, भाग देने पर एक्स आएगा, तो एक्स साइन ऑफ वन अपॉन एक्स, और माइनस जीरो करने से तो वही वैल्यू आएगी। तो अब इस लिमिट को सिंप्लीफाइड करने का सवाल उठता है, तो थोड़ा सा एक स्टेप और हम आगे बढ़ा लें। तो लिमिट F-0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो के ऊपर माइनस, इसको एक्स लिख दे, और साइन वन अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस वन और वन के मध्य की एक संख्या है। एक्स के किसी निश्चित मान के लिए माइनस और वन के बीच में ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है उसका जो परिसर है वो माइनस वन वन के बीच में होता है। साइन एक्स लाइज इज द एलिमेंट ऑफ माइनस वन वन। तो नो डाउट कि साइन वन अपॉन एक्स की वैल्यू भी माइनस वन वन के बीच में ही लाई करेगी। एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन की वैल्यू माइनस वन के वन के बीच में, साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन के बीच में रहेगी। तो एक निश्चित संख्या पर वो 0.5 आ सकती है, वन भी आ सकती है, माइनस वन भी आ सकती है। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस है, तो यहाँ हम मानेंगे माना एक्स बराबर जीरो माइनस एच, और चूंकि आपको मालूम है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस है, यानी नेगेटिव नंबर से एक्स से कम जीरो से कम संख्या से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी ये नेगेटिव नंबर है, ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस हो, यानी जीरो ये पॉजिटिव हो। तो ये चेंज ऑफ लिमिट का एक प्रोसेस है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाइड होकर हमें दिख रहा है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, और यहाँ पर एक्स के जगह हम जीरो माइनस एच माने हैं, तो जीरो माइनस एच लिखेंगे, और ये क्या है, माइनस वन और वन के मध्य की एक संख्या है।
निश्चित रूप से यदि x का मान निश्चित हो जाए तो साइन वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, ये वन अपॉन एक्स की वैल्यू है, वो 0.5 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, वो x के नाम मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये माइनस साइन में यदि बाहर निकाल लूँ तो माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस ये एच और माइनस वन और वन के मध्य की संख्या, मध्य की एक संख्या, ये वैसा का वैसा ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप हर स्टेप पर देख रहे हैं। और ये जो है सिंप्लीफाई किसका हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है जीरो बिंदु पर। अब माइनस साइन तो सामने है तो इसको सिंप्लीफाई हम आगे कर रहे हैं, लिमिट एफ डैश ऑफ जीरो माइनस इसकी लिमिट हो गई जीरो, ये एच टेंडिंग टू जीरो के ऊपर प्लस का मतलब है हम पॉजिटिव नंबर से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी एच जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, भले ही वो धनात्मक संख्या से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है। और इनटू ये तो निश्चित संख्या है, माइनस वन और वन के मध्य की संख्या, एक्स के किसी निश्चित मान पर वो एक निश्चित संख्या है, मध्य की एक संख्या। तो यहाँ पर जो हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है वो है जीरो, माइनस जीरो तो हो गए ना, इसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये है समीकरण नंबर तीन। और समीकरण नंबर दो में आपने देखा था कि आरएसडी जो है, आरएसडी वो भी जीरो आई थी समीकरण नंबर दो में, और समीकरण नंबर एक फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया है। तो हम इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि आरएसडी बराबर एलएसडी बराबर जीरो दिख रहा है। समीकरण नंबर दो में देखिए जीरो है, समीकरण नंबर तीन में देखिए, यानी कुल मिला के हम देख रहे हैं कि आर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू एल एफ डैश जीरो। इसको पढ़ते कैसे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव बाई और की का अवकल गुणांक एक्स बराबर जीरो पर, और ये दाहिनी ओर की लेफ्ट हैंड पर बाई ओर की एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हिंदी में हम इसको पढ़ने के बजाय हम आर एफ डैश जीरो कह रहे हैं, अंग्रेजी में मैं कह रहा हूँ उसको राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ द फंक्शन वन, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। हिंदी में हम कहेंगे आर का मतलब, आर मतलब राइट हैंड, यानी दाई और की एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स की का अवकल गुणांक, और एल एफ डैश जीरो का मतलब है बाई और का एक्स बराबर जीरो पर फलन की अवकलनीयता की का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक। ये दोनों मान जीरो है, समीकरण नंबर तीन में देखो जीरो है और दो में भी देखो जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आरएसडी और एलएचडी जब आप बराबर देखते हैं किसी भी फंक्शन में एक्स वाई जेड, ये तो फंक्शन एक की बात हो रही है, और हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स बराबर जीरो पर समान मिल रहा है जीरो, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बच्चों कि एक्स बराबर जीरो पर फलन फंक्शन जो है एफ एक्स, जो ड्यूल नेचर का है, समीकरण नंबर एक में दिखाया गया है एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, अवकलनीय है,
जांच कीजिए, पूछता है तो अवकलनीय है लिख दीजिएगा, अदरवाइज जो अवकलनीय है लिखकर आप लिख देना हैंड्स प्रूव्ड, यदि सिद्ध कीजिए पूछता है तो आप हैंड्स प्रूव्ड लिख देना, और जांच कीजिए पूछता है तो इस सेंटेंस का उपयोग करना। तो एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स अवकलनीय है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फलन अवकलनीय है, इसका मतलब है इसको ठीक से आप समझ लीजिए, फंक्शन एफ एक्स वन इज डिफरेंशियबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमने साबित करके दिखाया बच्चों।